फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए परेशानी भी क्रिएट करती है, और अगर फ्रिक्शन ना हो तो भी हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। परेशानी कब क्रिएट करता है फ्रिक्शन? जब आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट को खींच करके दूर लेके जाना, तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केस हमारे सारे वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही होते हैं। बहुत कम का केसेस ऐसे होते हैं जब हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा करके बॉडी को ले जाना होता है। ज्यादातर केसेस में आप अपने घर से निकले और स्कूल तक गए, आप अपने घर से निकले स्कूल तक गए, आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, ना आपने ऊंचाई चढ़ी ना आपने नीचाई चढ़ी। अगर हम ये मान के चलें कि आपके घर से स्कूल तक की रोड बिल्कुल फ्लैट है, फिर भी आप थक गए। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल से घर से स्कूल के रास्ते में जो आपके पैरों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उसे तो आपने ओवरकम करना ही पड़ेगा, उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना? म्यू एम जी एस। एस इज द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू द स्कूल। ये वर्क आपको करना ही करना पड़ेगा, जबकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट ना ऊपर चढ़े ना नीचे उतरे। तो मोस्ट ऑफ द केस हमारे नॉर्मल लाइफ में जितने भी वर्क होते हैं वो सब फ्रिक्शन के अगेंस्ट है। जब आप अपनी बाइक पर जा रहे हैं, आराम से 80 की स्पीड पर चल रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, ना तो एक्सिलरेशन हो रहा, बढ़ने रही स्पीड, ना आपकी स्पीड घट रही, ना बढ़ रही ना घट रही। मतलब क्या है? एक्सिलरेशन जीरो है। एक्सिलरेशन जीरो तो इसका मतलब फोर्स, नेट फोर्स हम कहेंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स भी क्या है? जीरो। तो फिर इंजन क्यों चलाना है? अगर नेट फोर्स आपको जीरो है, नेट फोर्स आपको चाहिए नहीं, तो इंजन बंद कर दो ना। नहीं, नेट फोर्स जीरो है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी के इस बाइक के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, व्हील्स हैं और दूसरे पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट हैं, हजारों मूविंग पार्ट्स हैं इसके अंदर, उन सब के बीच फ्रिक्शन लग रहा है। उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम किया हुआ है किसने? आपके इंजन की फोर्स ने। आपकी इंजन की सारी फोर्स जो है वो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही खत्म हो रही है। चलने के लिए तो फोर्स आपको केवल तब चाहिए थी जब आप रुके हुए से चल रहे थे। अगर वो सारे फ्रिक्शन खत्म कर दिए जाए, वो सारे के सारे फ्रिक्शन खत्म कर दिए जाएं, तो आप एक बार चल दें और चलने के बाद इंजन बंद कर दें, जैसे कि रॉकेट में होता है। रॉकेट में कहाँ, अर्थ से लेकर के मार्स तक आपने रॉकेट भेजा, बस अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल दिया, अब इंजन बंद है, अब यह जल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, बिना किसी एनर्जी के चल रहा मार्स तक। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं था कोई भी इसे रोकने वाला। और जब हम बाइक पे चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं, तो मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन है और बहुत सारी जगह फ्रिक्शन लग रहा है। वो सारा फ्रिक्शन ओवर करने में ही हमें सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए बड़ी कड़ी समस्या है। हमारा ज़्यादातर एनर्जी हमारी फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही यूज होती है अपने थ्रू आउट द लाइफ। मोस्ट सुबह से शाम तक हमारा सारा सारा सारी ताकत, 90% सारी एनर्जी हमारी खर्च होती ही फ्रिक्शन के अगेंस्ट है। तो फ्रिक्शन इतनी बड़ी मुसीबत है ये, लेकिन फ्रिक्शन हमारे लिए हेल्पफुल भी। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लाइफ दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप, मैं इस टाइम टेबल पर, चेयर पर बैठे हुए हैं, ये आपके पीछे ये चेयर हो गई है आपकी, ये नीचे इस चेयर के ऊपर आप, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मेरा वेट काम कर रहा है एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और रिएक्शन काम कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स काम कर रहा है। अगर ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, लेकिन अगर ये मेरा, जहां मैं बैठा हूँ जिस सीट पर, अगर ये हल्की सी भी इंक्लाइंड हुई, ये तो मैंने बहुत ज्यादा इंक्लाइंड बना दिया, लेकिन हल्की सी भी इंक्लाइंड हुई, तो फिर क्या होगा कि फिर मेरा जो वेट है एम जी, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं, अपोजिट नहीं पड़ेगा किसके? आर के। क्योंकि आर तो, आर को तो परपेंडिकुलर होना सरफेस के। आर का वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड से कोई रिलेशन नहीं है। आर को तो अपोजिट होना है, अब परपेंडिकुलर होना किसके? सरफेस के। सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए होना, तो अब ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, अपोजिट नहीं हो पाएंगे, तो बैलेंस नहीं करेंगे। मतलब ये कि फ्रिक्शन के बिना आप टिक ही नहीं सकते कहीं भी, किसी भी सरफेस पर नहीं टिक सकते, इवन इवन आप खड़े ही नहीं हो सकते सरफेस पर, आप जमीन पर भी खड़े नहीं हो सकते अगर फ्रिक्शन ना मिले। कभी कब खड़े हो पाएंगे, कब टिक पाएंगे? जब वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा। और परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना, भाई किसने देखा? परफेक्टली हॉरिजॉन्टल तो कुछ भी नहीं होता। आप कितनी बढ़िया मिस्त्री को बुला करके आप अपना घर का फर्श बनवा लीजिए, थोड़ा बहुत ढाल उसमें जरूर रहेगा,
हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बना सकता 100% परफेक्ट। तो इसका मतलब हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी, कुछ भी अपनी जगह नहीं रुका रहेगा, सब कुछ इधर उधर लुढ़कता ही फिरेगा, जहाँ जहाँ ढाल होगा वहीं चला जाएगा। तो फ्रिक्शन जरूरी है। हम जब अर्थ पर चल रहे हैं, हम सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर जब हम मूव करते हैं, तो एक्चुअली एक्शन और रिएक्शन होता है। हम अपने पैर से अर्थ को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन में अर्थ हमें आगे धकेल देती है। लेकिन अगर यहाँ नीचे फिसलन हो, सिंपल सी बात है, फिसलन अगर यहाँ है, कीचड़ है, कुछ और चीज़ है, हम फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे। जब लगा नहीं पाएंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, चलेंगे नहीं आगे। जो बिल्कुल रेत है, रेत है, जहाँ रेत है, ढीला रेत है, रेत के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि रेत दब जाता है जब हम फोर्स लगाते हैं, हमें रिएक्शन नहीं मिल पाता। रिएक्शन नहीं मिल पाता तो हम आगे कैसे चलेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो हमारा चलना, हमारा खड़ा होना भी मुश्किल है फ्रिक्शन के बिना। तो फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा भी है, फ्रिक्शन हमारे लिए बुरा भी है। तो कई कई बार तो ऐसा होता है जहां हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। फ्रिक्शन हमें रिड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारी बाइक है, कार है, हम चाहते हैं कि उसके मूविंग पार्ट्स के बीच में कम से कम फ्रिक्शन हो, कम से कम फ्रिक्शन हो। तो फिर क्या करते हैं? सबसे पहला तो आसान तरीका है, सरफेस को आप स्मूथ कर दीजिए, जहां तक कि भी वो फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकता है। ओवर स्मूथ नहीं, स्मूथ कर दीजिए, स्मूथ आप सरफेस कर दीजिए तो फ्रिक्शन आपका कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि दो मूविंग सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेंट डाल दीजिए, जिसे कि आप सिंपल से बोलते हैं मोबिल ऑयल, और जिसे मिस्त्री बोलता है, क्या बोलता है, मोबिल ऑयल। भैया मोबिल ऑयल खत्म हो रहा है, इसमें मोबिल ऑयल डलवा लो तुम, या ग्रीस, ग्रीस भी, ग्रीस जिसे मिस्त्री बोलते हैं, जी ग्रीस खत्म हो गई इसकी, ग्रीस भरवानी पड़ेगी दोबारा तुम्हें, ग्रीस खत्म हो गई इसकी, ग्रीस होता है ग्रीस, ग्रीस या मोबिल ऑयल, ये दोनों लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। लुब्रिकेंट क्या है एक्चुअली? लुब्रिकेंट क्या है कि दो सरफेसेस जो आपकी एग्जैक्टली कांटेक्ट में थी, एक ये बॉडी और दूसरी ये बॉडी, है ना, इन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट एक बहुत पतली सी लेयर बना लेता है, लुब्रिकेंट। क्योंकि लुब्रिकेंट चिकना है, इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, तो इसने दोनों दोनों सरफेसेस के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसे बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। आप कभी देखिएगा ध्यान से, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, आपने सारी रात अपनी साइकिल बाहर खड़ी छोड़ दी, सारी रात आपने साइकिल बाहर खड़ी छोड़ दी और सारी रात बारिश आती रही, उसमें जो मोबिल ऑयल भरा हुआ था, ग्रीस भरी हुई थी, वो मोबिल ऑयल पानी की, पानी के साथ साथ चोट लग लग के बह गया। सुबह को आप गाड़ी लेकर चले, सुबह निकल गई, धूप सब जगह सूख गई, पानी सूख गया सारा, आपको लगेगा साइकिल बड़ी मुश्किल से चल रही है, बड़ी भारी चल रही है। आप मिस्त्री के पास ले गए, उसने कहा जी तुमने साइराज से छोड़ दिया, बाहर खड़ा हुआ, इसका मोबिल ऑयल खत्म हो गया सारा, इसकी चेन में मोबिल ऑयल डलवा लो और ये कर लो वो कर लो, ग्रीस लगवा लो, जी ग्रीस डलवा लो चेन में, इसकी चेन तो देखो बिल्कुल सूखी पड़ी तुम्हारी है, देखे ना मोबिल ऑयल तो इसमें है ही नहीं, सारा तो मोबिल ऑयल बह गया। तो ये लुब्रिकेंट है, मोबिल ऑयल है, जो कि एक पतली सी लेयर बना लेते हैं दो सर्फेसेस, दो बॉडीज के बीच में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका है क्या कि जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग स्लाइडिंग मोशन की बजाय स्लाइडिंग मोशन को रिप्लेस कर दो किसमें, रोलिंग मोशन में। रोलिंग मोशन में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है आपका, शेफ्ट एंड स्लीव या बुश, इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए बॉल बियरिंग में, जिसे कि मिस्त्री कहता जी तुम्हारे बॉल बियरिंग कट गए, क्या कट गए, बाल बैरिंग कट गए तुम्हारे, बाल बैरिंग बनवाने बदलवाने पड़ेंगे तभी होगा, बाल बैरिंग कट रहे हैं देखो बिल्कुल। तो बॉल स्लीव, शेफ्ट एंड स्लीव को बॉल बियरिंग में कन्वर्ट कर लें। अब शेफ्ट एंड स्लीव क्या सिस्टम है देखो, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है शेफ्ट एंड स्लीव सिस्टम का।
ये ले लेता हूँ मैं, देखो ये मेरा सिलेंड्रिकल पैर है और ये भी सिलेंड्रिकल है, ये आपकी है स्लीव, स्लीव, और ये क्या है, ये इसके बीच के अंदर ये शैफ्ट है, ये घूम सकते हैं, ये आराम के साथ घूम सकते हैं, देखिए घूम रहे हैं है ना। लेकिन यहाँ जहाँ दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ तो एक दूसरे के सरफेस में है ना, सरफेस कॉन्टेक्ट में, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की कुछ तो वैल्यू होती है। अब क्या करें, ये शैफ्ट एंड स्लीव सिस्टम को बदल दें किसमें, बॉल में, ये आपकी है शैफ्ट और इसके चारों तरफ क्या है, इससे बिल्कुल जस्ट टच है, जस्ट टच है, क्या है इससे बस टच है, कौन सा, जो मेरा बाहर का कैप है, जो मैंने आपको कैप दिखाया, वो कैप क्या चीज है, ये कैप है आपका कौन सा, स्लीव, जस्ट टच। तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा ही करेगा, ये स्लीव है। अब क्या करो, इस स्लीव और शैफ्ट के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन बदलने के लिए बियरिंग्स भर दो, बॉल्स लगा दो छोटी छोटी सी, ये तो आपकी हो गई शैफ्ट, शैफ्ट के ऊपर आपने भर दी बॉल्स छोटी छोटी सी गोलियां, सबने देखी होंगी लाइफ में, ये बेयरिंग के अंदर गोलियां पड़ी होती हैं, और फिर उसके ऊपर आपने क्या चढ़ा दी, स्लीव चढ़ा दी है। तो अब जब शैफ्ट घूमेगी, तो एक्चुअली शैफ्ट आपकी स्लीव के कांटेक्ट में नहीं है, जब ये शैफ्ट घूमती है तो ये छोटे छोटे गोलियां घूमने लगती हैं शैफ्ट और स्लीव के बीच में, बढ़ी ये एक्चुअली बन गया, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बन गया, ये बन गया बॉल बियरिंग, बॉल्स को बियर करने वाला, बॉल्स कौन सी, ये वाली छोटी छोटी ग्रीन से जो बना रखी है, ये बॉल्स है। तो आपका जो टच वाला सिस्टम था वो टच वाला खत्म होकर के अब रह गया आपका रोलिंग वाला सिस्टम रह गया, तो आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग प्रोसेस को, स्लाइडिंग मोशन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर दिया, और क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग से बहुत कम होता है, तो आपका फ्रिक्शन यहाँ कम हो जाएगा, प्लस इसमें लुब्रिकेशन कर दीजिए, ग्रीस भर दीजिए, मोबिल ऑयल डाल दीजिए, तो फ्रिक्शन और भी कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के तरीके हैं, कई बार फ्रिक्शन हमें बढ़ाना पड़ता है, जैसे कि बर्फ के ऊपर, बर्फ पड़ी, बर्फ के ऊपर गाड़ियां नहीं चल पाती, तो वहां फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ा सा सैंड बिछा देते हैं, रेत बिछा देते हैं बर्फ के ऊपर, सैंड ऑन आइस, जिससे कि बर्फ की सरफेस खुरदुरी हो जाए, जब खुरदुरी हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जो आपका सैंड पेपर है, सैंड पेपर जिसे कि मिस्त्री बोलते हैं, जब आपके घर में काम होता है, भैया जी रेगमाल लिया ना, 0 नंबर का रेगमाल लिया ना, जरा मुझे इसे साफ करना है दीवारों को, 0 नंबर का रेगमाल, तो रेगमाल क्या, सैंड पेपर, यहाँ तकड़ा फ्रिक्शन आपको चाहिए, और आप जानते हैं कि रेगमाल के ऊपर हल्के हल्के से दाने चिपका दिए जाते हैं एक स्पेशल प्रोसेस से, ताकि इसकी सरफेस खूब सारी, खूब बढ़िया से खुरदुरी हो जाए, रफ हो जाए, रफ हो जाएगी तो ये फ्रिक्शन यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो कभी हमें फ्रिक्शन इंक्रीज भी करना पड़ता है, और कभी हमें फ्रिक्शन डिक्रीज भी करना पड़ता है।